तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेप्शन 5। और आज का हमारा टॉपिक है इमॉर्टैलिटी। इमेजिन करिए कि अगर सिर्फ एक बंदा इमॉर्टल हो जाए तो हमारे इस पूरे वर्ल्ड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम आपको 5 पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या हो सकता है अगर सिर्फ एक बंदा इमॉर्टल हो जाए तो। और इमॉर्टैलिटी का मतलब तो आपको पता ही है, उस इंसान को ना कोई हथियार मार सकता है, ना कोई जहर, ना कोई आर्मी। अगर वो घायल भी होता है तो उसके जख्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम इस वीडियो में 2 सिनेरियोस लेके चलेंगे। फर्स्ट, कि वो इंसान बहुत अच्छा होगा और उसका पॉजिटिव नेचर होगा। और दूसरा, कि उसका नेगेटिव नेचर होगा और वो बहुत बुरे काम करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 5th, हम पहले पॉजिटिव सिनेरियो लेके चलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है और वो अपना इमॉर्टैलिटी वाला जो सीक्रेट है वो सबसे छुपा के रखना चाहता है और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और वो सबसे छुपा के रखना चाहता है अपना सीक्रेट, ताकि किसी को पता ना चल जाए। क्योंकि अगर किसी को क्योंकि अगर साइंटिस्ट या और लोगों को पता चला तो वो उससे वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अगर वो बंदा एक नॉर्मल जिंदगी जीता है तो उसे हर 50 to 60 ईयर्स में अपनी फेक डेथ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 50 to 60 ईयर्स तक सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ नहीं रह सकते जो कि उसके पड़ोसी होंगे या फिर उसके कलीग्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। तो उसे हर 50 to 60 ईयर्स में अपनी फेक डेथ करके अपना लोकेशन चेंज करना पड़ेगा और उसे ऐसा बार बार करना पड़ेगा। तो उसकी लाइफ में भी बहुत दुख सा होगा, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिलीज को छोड़ के जाना पड़ेगा। या फिर एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी कि वो अकेला रहे, दुनिया के अंत तक अकेला, बिल्कुल अकेला एक सुनसान जगह पे। और इतना अकेला कौन रहेगा भाई, बोर हो जाओगे। कौन ही रह सकता है इतना अकेला बिना कुछ करे लाखों करोड़ों साल एक ही जगह पे। थोड़ी दर्दनाक पॉसिबिलिटी है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 4, अगर उस इंसान ने ये सोच लिया कि मैं सबको बता देता हूँ और कुछ अच्छा करता हूँ अपने इस पावर के साथ, तो वो कुछ साइंटिस्ट का साथ दे सकता है ये पता लगाने के लिए कि उसने वो इमॉर्टैलिटी कैसे अचीव की। तो साइंटिस्ट उसके सेल वेल्स पे रिसर्च करेंगे कि वो कैसे इमॉर्टल है, और क्या पता कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए साइंटिस्ट कि वो बहुत सारे इंसानों को इमॉर्टल कर सके। और ये एक अच्छी बात भी हो सकती है और एक बुरी बात भी हो सकती है। सो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो इंसान बहुत एडवेंचरस टाइप का हो, उसे एडवेंचर से बहुत प्यार है, तो वो साइंटिस्ट्स की मदद कर सकता है अनदेखी जगहों को रिसर्च करने के लिए, जैसे कि स्पेस के वो कोनों में जहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, या फिर समुद्र की गहराइयों में जा सकता है, और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। सो हमारे नंबर 3rd पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उस इंसान ने आर्मी ज्वाइन कर ली, सो थिंक ये उस देश के लिए कितनी अच्छी बात होगी। उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता होगा और वो देश अनबीटेबल हो जाएगा। उस देश के पास एक ऐसा हथियार होगा जो किसी के पास नहीं। बट इसके भी काफ़ी सिनेरियोस हो सकते हैं, जैसे कि अगर वो देश उसका गलत इस्तेमाल करे और पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करे। पर यहाँ पे हमारा बंदा पॉजिटिव है तो ये चांसेस कम है। सो अब बारी आती है नेगेटिव की। सो वो पॉसिबिलिटीज चेकआउट करते हैं कि अगर वो बंदा नेगेटिव हुआ तो क्या हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 2, अब यहाँ पे हमारा वो इमॉर्टल इंसान नेगेटिव हो गया, वो है बहुत बुरा,
एक क्रिमिनल टाइप का। अब वो एक ऐसा बंदा बन चुका है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई भी कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता, और उसके मन में जो आएगा वो क्राइम कर सकता है। यहाँ तक कि उसे पूरी आर्मी भी नहीं रोक सकती। वो एक अकेला बंदा पूरी आर्मी तबाह कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई कंट्री उसका बुरा इस्तेमाल करे तो वो पूरी वर्ल्ड पर अपना कब्जा पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा सकती है। सो अब हमारा वो इंसान बुरा बन चुका है और उसे बुराई की सज़ा तो मिलेगी। तो हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर किसी तरह उसको किसी आर्मी ने पकड़ लिया, कोई भी ड्रग्स व्रग्स का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर दिया और उसे लॉकअप में कैद कर दिया, या फिर किसी बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जगह पे उसे लॉक कर दिया, तो वो हज़ारों लाखों सालों तक वहीं पर रहेगा बिल्कुल अकेला कड़ी सिक्योरिटी में। और आर्मी में भी यही प्रेशर रहेगा कि कहीं वो निकल ना जाए, और हज़ारों लाखों साल तक आर्मी को वहाँ की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रखनी पड़ेगी, और इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी पैसा जाएगा। सो ये थी हमारी 5 पॉसिबिलिटी कि अगर सिर्फ एक इंसान इमॉर्टल हो जाए तो। अगर आपके पास कोई और पॉसिबिलिटी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ओके बाय, मैं चला समुद्र से अमृत निकालने।